नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। खास बात यह है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई है। वे बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन एक दिन के अंदर ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में उन्हें दिल्ली स्थित एम्स के लिए रेफर किया गया है। निकटवर्ती मोटा हल्दू के हीड़ा गज्जर गांव में कांग्रेसी एससी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य के नेतृत्व में बैठक की। आयोजित बैठक में मौजूद लोगों ने जिलाध्यक्ष का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया। यहां कांग्रेस एससी विभाग की ओर से जिला उपाध्यक्ष हीरालाल आर्य की अध्यक्षता में उनके आवास में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। वहीं बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श हुआ। आपका स्वागत करता हूं, बहुत प्यार आपका आधार। पत्रकार बंधु कुछ फोटो देकर के स्वागत पत्रकार में आएगा। प्रति अंबेडकर जी के प्रति और आसाराम के प्रति जो भी है, कुल मिलाकर दो शब्द। धन्यवाद सम्मानित श्री हीरालाल जी, जो इंद्रपाल आर्य जी और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अतिथि श्री यशपाल आर्य जी और श्री लक्ष्मण ढकोला जी, सारे लोग हैं। मैं नाम की औपचारिकता में जाते हुए जो आज की सभा का यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया है, लोग हैं जो वक्ता हैं, तो जरा सा मैं भी अपने मन की एक बात। हम सभी लोग सिंधुला समाज से हैं और राजनीति का आना पड़ता वही करते हैं। अरे कोई लकड़ी का काम करना है तो मिस्त्री कारपेंटर का काम किया हमारे सिखवार बंधुओं ने, कि जंगल गार्ड खेत बनाए पहले का समय था। तो प्रदेश में हालात है जो आज डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है, तो उसके विरोध में जन जन जो लोग हैं सब इकट्ठा हो रहे हैं। अभी भी मुझे संज्ञान में आ गया, इस ग्राम सभा में एक आसाराम के नाम से एक किसी ने ज़मीन दे करके उसमें उसका आसन बनाया जा रहा है, मैं ट्रस्ट बनाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आसाराम एक बलात्कारी है इस देश का, इस महिला का, मतलब शोषण करने वाला व्यक्ति है, वो पढ़ाई करने वाला व्यक्ति नहीं है। उस ऐसे आसाराम के जैसे भक्तों को पैदा करना ये गलत है। ऐसे गांवों के बीच में, अगर ये ऐसे आसाराम भक्तों का अगर आना जाना हुआ तो हमारी मातृशक्ति का विरोध होगा, हमारी जनता का विरोध होगा, हमारे भाई का विरोध होगा, बुजुर्गों का विरोध होगा। हम उसके विरोध में भी आज काफ़ी लोग लगे हुए हैं। हमारा मिशन यही है, 2022 में हमारी सरकार आएगी। आज इस सरकार ने जगह जगह घर दाम बढ़ा दिए। देखो आज इस हालत है कि रोड की भी ऐसी हालत है, बिल्कुल झूठे वादे हैं। हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे कर रहे हैं कि वो लेडीज़ों के जींसों पे ध्यान दे रहे हैं, विकास कार्यों ने दे रहे हैं, नेत्र परिवर्तन में चले हुए हैं। बीस बच्चे बनाओ कह रहे हैं, मतलब एक ऐसी बचकाना शब्दों का प्रयोग करें जो कि हम विरोध करते हैं। और हम अपना 2022 का अपने संगठन को जोड़ने के लिए, अपना ऐसी डिपार्टमेंट को जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। किच्छा में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में एक धरना पावर हाउस पर दिया गया, जिसमें ग्राम दोपहरिया के अंतर्गत सतनाम सिंह के बैल को पिछले दिनों 9 मार्च को करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसमें बिजली विभाग द्वारा गलती मानते हुए मृतक बैल का किसान को मुआवजा देने का वादा किया गया था। आज लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी सतनाम सिंह पुत्र गुरदीप सिंह को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया, जिस कारण ग्रामीणों के साथ पनेरू ने धरना देते हुए कहा कि बिजली विभाग तत्काल किसान को मुआवजा दे, अन्यथा बिजली विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। मरे बैल का मुआवजा दो, मरे बैल का मुआवजा दो, होश में आओ, मरे बैल का मुआवजा दो, विद्युत विभाग होश में आओ, विद्युत विभाग होश में आओ। 9 मार्च को हमारे पीछे भाई सतनाम जी बैठे हैं दोपहरिया के, इनके बिजली विभाग की लापरवाही से इनके बैलों को करंट लग गया और जिसमें एक बैल की मृत्यु होगी, दूसरा बैल मरणासन में है अभी भी, और ये बाल बाल बचे उस करंट लगने से।
तब हमने गांव आदिशासी अभियंतान से हमने विद्युत विभाग के बात की थी, उन्होंने कहा था कि एक सप्ताह में हम फॉर्मेलिटी पूरा करा के इसको मुआवजा दे देंगे, और आज 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, किसान को मुआवजा नहीं मिला है। किसान अपना धान की फसल के लिए इनको जो आगे करना है काम, उसमें इनके पास दूसरा बैल है नहीं, तो ये कैसे काम करेंगे। तो इस मुआवजे की मांग को लेकर हम बैठे हैं, और अधिशासी अभियंता महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी हम एक सप्ताह के अंदर इनको मुआवजा मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम फिर निश्चित रूप से जो है लड़ाई को और उग्र करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। गांव में जो है विद्युत की घातक दुर्घटना हो गई थी, एक बैल को करंट लग गया, इसमें उसकी मृत्यु हो गई थी, उसी के जो है मुआवजे के लिए ग्राम में आए हुए थे। उसमें हमने जो है केस बनाकर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को भेज दिया है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के निरीक्षण के बाद ही मुआवजे की कार्रवाई संभव हो पाएगी। अतः हम प्रयास करते हैं जल्द से जल्द जो है मुआवजा जो है दिला दिया जाएगा। कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहा सड़क पेंडिंग का कार्य भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जाने लगा है। इस सड़क पर डामर बिछे अभी अभी महज 15 दिन ही बीते हैं, लेकिन सड़क पर हुए नई पेंटिंग इन चंद दिनों के भीतर ही उखड़ने लगी है। सीएम तक मामले के पहुंचाने के लिए सड़क का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में डाला गया है, जिससे प्रशासन के संज्ञान तक ये मामला आ पहुंचा सके। वायरल वीडियो सतपुली मेटाकुंड के पास का है, जहां सड़क पर हुआ डामरीकरण हाथ लगाते हुए उखड़ रहा है। वहीं जगह जगह पर डामर उखड़ जाने से सड़क भी गड्ढों में तब्दील होती नजर आने लगी है। वहीं जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे पेंटिंग कार्य गुणवत्ताहीन होने की शिकायत बार बार जिलाधिकारी को भी मिल रही है, जिसको लेकर अब खुद जिलाधिकारी ने भी पौड़ी जिले के कई सड़कों पर हो रहे डामरीकरण का निरीक्षण करना भी शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ने सड़क डामरीकरण के निरीक्षण की शुरुआत फिलहाल पौड़ी देवप्रयाग राजमार्ग से की, जिस पर भी सड़क पेंटिंग का कार्य चल रहा है। जिस तरीके से कोटद्वार से लेकर पौड़ी तक सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका कार्य अभी चल रहा है। निरीक्षण जो एनएच है उनसे बात किया है, और उनका यह है कि अभी कार्रवाई चल रहा है, अभी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। गुणवत्ता के लिए विशेष रूप से उनके जेई और ई जो है सड़क का निर्माण कार्य की जांच करते रहेंगे। एसडीएम सर से मैंने निर्देश जारी कर दिया कि हर एसडीएम जो है अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता के लिए सैंपल्स कलेक्ट करेंगे सड़क का, और निर्माण कार्य की गुणवत्ता को इंश्योर कराएंगे। धारचूला तहसील के राठी मोटर मार्ग में चौड़ीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में एक घंटे से अधिक समय तक चक्का जाम कर विरोध जताया। बड़ी संख्या में ग्रामीण राजेंद्र धामी और धान सिंह धामी के नेतृत्व में तपोवन पहुंचे, जहां पर पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया गया। इस दौरान दोनों ओर से सैकड़ों वाहन फंसे रहे, लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासी धान सिंह धामी ने बताया कि मोटर मार्ग निर्माण को कई वर्ष बीत चुके हैं, इस मार्ग पर दुर्घटनाओं में 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 3 मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि 7 किलोमीटर मोटर मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य शुरू नहीं हो पाया। घोषणा के बाद भी इस रोड में कोई कार्य नहीं किया गया, और शासन प्रशासन द्वारा हमेशा कोई अनदेखा किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनता परेशान होकर आज एनएच हाईवे पर चक्का जाम करने के लिए बाध्य है। और इससे पहले रोड में 17 से 18 लोग से अधिक जान गंवा चुके हैं, जिससे शासन प्रशासन को भी थोड़ा हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है कि जो इन्होंने जो चक्का जाम किया है ये अनौचित्यपूर्ण है। कारण क्या है कि जो पीडब्ल्यूडी द्वारा जो कार्रवाई हुई है वो अभी तक हमने जो इनका इसका फॉरेस्ट प्रस्ताव था वो जो है हमारे द्वारा नोडल स्तर पे भेज दिया गया है, और नोडल से ये प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट के बाद ये भारत सरकार को जाएगा। भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात ही इस रोड पर कार्रवाई होगी, DPR गठन और अधन निर्माण। रुड़की के मंगलौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नई टिहरी से ऑल्टो कार में सवार होकर दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी करने उत्तर प्रदेश जा रहे थे। पुलिस ने तलाशी के दौरान दुर्लभ प्रजाति के 2 कछुए बरामद किए हैं। ये आरोपी दुर्लभ प्रजातियों के वन जीव को दूसरे राज्यों में तस्करी करते हैं। वन जीव की तस्करी के कारण कई जीव विलुप्त की कगार पर पहुंच गए हैं। कोटद्वार में लगातार यातायात नियमों की धज्जियां उड़ता देख आज RTO और पुलिस ने संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया। कोटद्वार के लालबत्ती चौक पर चले इस अभियान में ज्यादातर दोपहिया वाहन सवार पर गाज गिरी, जिसमें खासकर हेलमेट की तवज्जो दी गई।
बिना हेलमेट वालों के चालान काटे गए और साथ ही दोपहिया वाहन सवार को सख्त हिदायत दी गई, दोबारा बिना हेलमेट के वाहन सीज किए जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर पुलिस प्रशासन, वन विभाग ऐसे अन्य विभागों के साथ ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया जाता है ताकि जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है वो अंतर्विभागीय भी हो पाए। एक अंतर्विभागीय जो सहयोग है वो बहुत जरूरी होता है परिवर्तन कार्रवाई में, तो ये इसी के चलते ये अभियान है और ये समय समय पर बार बार चलाया जाएगा। हमने लगातार ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की है, अगर आप चाहे हमारे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं लगातार, क्योंकि देखिए एक मजबूरी भी है किसी प्रवर्तन अधिकारी की। जैसे आप परिवहन विभाग में मुझे देखिए प्रवर्तन अधिकारी, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लक्ष्मण झूला से लेकर आपकी नैनी डांडा ऊपर रिखनी खाल पार्टी स्टैंड से लेकर अलग हमारे पास क्षेत्र है। तो एक प्रवर्तन अधिकारी के लिए संभव नहीं होता है कि वो महीने के 30 के 30 दिन एक ही स्थान कोटद्वार पर उपस्थित हो, क्योंकि हमें लगभग सभी क्षेत्र का भ्रमण करना होता है। तो जब भी हम कोटद्वार में उपस्थित रहते हैं, हमें लगातार कार्रवाई की है ओवरलोडिंग पर कार्रवाई, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल की ओवरलोडिंग हो, चाहे माल वाहन की ओवरलोडिंग हो, और पहाड़ों में भी हमने कार्रवाई की है। आप चाहे उसको चैलेंजन की रोड पर आप देख लीजिए, या आप बसेड़ा रोड पर देख लीजिए, रथवा ढाप की रोड पर आप ले लीजिए, सभी रोड पर हमें लगातार कार्रवाई की है इसकी। तो इस मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।